नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लीड नेशन के लेसन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। इसमें मैं आपको मैं बता रहा हूँ कि जो हम एक फेसबुक का एड मैनेजर का अकाउंट होता है उसके अंदर हमने किस तरीके से काम करना है। अभी मैं अपने फेसबुक के एड मैनेजर अकाउंट में हूँ जो कि CCM बाला के नाम से है। ये कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, मैं अगले वीडियो में आपको इसको शेयर करूँगा। मेन पार्ट है कि हम लोग इसके अंदर सीखेंगे कि हमने जो एक लीड जनरेशन का कोर्स चूज़ करा है उसका इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है। फेसबुक के एड मैनेजर अकाउंट के अंदर जब हम एक एड को प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए हमें ये अकाउंट ज़रूरी, जैसे कि मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ, देखो इसके अंदर क्रिएट, क्रिएट का मतलब होता है एक नई ऐड को बनाना। इसके अंदर हमें इधर टाइम लेगा, लोडिंग करेगा। देखो आपके पास एक नया ऑब्जेक्टिव खुले हैं। ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं वो आपने देखने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है। ये ब्रांड अवेयरनेस है, रीच है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है, ऐप इंस्टॉलेशन है, वीडियो व्यूज हैं, लीड जनरेशन है, मैसेज है, कन्वर्जेशन है, कैटलॉग्स है, सेल्स है, स्टोर ट्रैफिक है। एक चीज़ का ध्यान रखना, देखो एक मैं आप लोगों को एग्जांपल इसमें दे रहा हूँ, अगर पार्टी को या क्लाइंट को या मेरे को अपने बिजनेस के लिए, मेरा बिजनेस जैसे एजुकेशन बेस है या मैं कुछ सर्विस देता हूँ या हम लोग कुछ काम करते हैं, जैसे कोई क्लाइंट गया मार्केट के अंदर और वो एक चाय वाले की दुकान के पास खड़ा है और चाय वाले की दुकान वाले को बोलता है कि सर मेरे को आप एक पैकेट दाल का दे दीजिए, तो चाय वाले के पास किराना स्टोर नहीं है, तो चाय बेचता है, उसके पास दाल नहीं मिलने दी। मतलब ये कि जब हम जिस चीज़ को चूज़ करेंगे उसका हमें वे पता होना चाहिए। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो अपने बिजनेस के अंदर, जैसे किसी ने बताया कि अगर मेरे को अपने बिजनेस के अंदर ट्रैफिक चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो हमें ट्रैफिक सेलेक्ट करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो ऐड है हमारी वेबसाइट के ऊपर ऐड लग रही है या हमारे फेसबुक पेज पर ऐड लग रही है, उसको ज़्यादा से एंगेजमेंट चाहिए। एंगेजमेंट का मतलब क्या, लाइक मिलेंगे आपको, कमेंट्स मिलेंगे, ब्रांड अवेयरनेस, कोई हमारे ब्रांड के अवेयरनेस करना चाहते हो अपने के तो वहाँ जाएंगे, रीच हमारी वेबसाइट पर ला देते हैं लोग पहुँचे, वीडियोस व्यू, आपने कोई वीडियोस डाली आप क्या व्यूज चाहते हो। कहने का मतलब ये है कि जब आप एक लीड जनरेट करना चाहते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे पास क्या है, लीड जनरेशन, और दूसरा है कन्वर्सेशंस। अगर आप फेसबुक को एक ऑर्डर कर रही हो कि मेरे को कन्वर्सेशन करना है, कन्वर्सेशन का मतलब क्या है कि जब आपकी ऐड के ऊपर कोई पर्सन जाएगा तो वो फेसबुक को छोड़ देगा और आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। जब भी क्लिक करेगा वो, आप चाहते हो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, कन्वर्सेशन, वहाँ से आपको लीड मिलेगी। अगर आप चाहते हो लीड जनरेट करना, इस ऑप्शन में क्या रहेगा, फेसबुक अपना पेज नहीं छोड़ेगा, फेसबुक के ऊपर ही आपको एक फॉर्म बनाना सिखाया जाएगा आगे, तो वहाँ पे आप उसको ऑर्डर प्लेस कराओगे अपनी लीड के लिए, जिसमें आपके उसमें कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे। तो इस चैप्टर में मैंने आपको यही बताना चाहा है कि आपने अपना फोकसिंग उसी चीज़ पे रखना है जिस पे हमने काम करना है। हमने लीड जनरेशन के ऊपर काम करना है, तो लीड जनरेशन के ऊपर ही हमारे दो पार्ट हैं, या तो लीड जनरेशन या फिर कन्वर्जेशन, इन दोनों के ऊपर हम काम करना सीखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में आपको मैं सब कुछ बताऊंगा और एक्सप्रेस में क्या चीज़ है। आज के लेसन प्लान में आपके लिए इतना ही, कल को मैं नए लेसन के साथ आपके साथ आ रहा हूँ लीड जनरेशन के लिए। थैंक यू दोस्तों, और हमारा एक चैनल जरूर सब्सक्राइब करो और साथ के साथ और लोगों को भी इसके बारे में बताना स्टार्ट करो। थैंक यू।